हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। दिया है 21 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर का पावर 2/3 होल पावर 2/3। इसको एक काम करते हैं, एक बार माइनस एक बार प्लस में लिख सकते हैं। 21 माइनस 15 का पावर 2/3 कर लेते हैं और 21 प्लस 15 का पावर 2/3। ये 2/3 पावर में है तो ये तो दोनों पे लगेगा ना। इसको एक बार माइनस प्लस में लिखे, लेकिन ये 2/3 पावर में है तो दो बार लग गए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे सबट्रैक्ट कर लेते हैं तो 6 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 6 हो जाएगा ना जी। चलिए तो ये 6 हो जाएगा और पावर में 2/3 है। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 36, ठीक है, का पावर 2/3। अब एक काम करते हैं, 6 का पावर 2/3 और इसे 6 का स्क्वायर का पावर 2/3 कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 6 का पावर 2/3 और इंटू में 6 का पावर 4/3। बेस बेस इक्वल पावर को ऐड कर लेते हैं, 2/3 प्लस 4/3, ठीक है। तो 6 का पावर 6/3 कट जाएगा 2, 6 का स्क्वायर यानी कि 36 इसका वैल्यू हो गया। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यानी यहाँ पर हम लोग क्या भर देंगे, 36 भर देंगे। सेकंड नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 2। यहाँ दिया है 81 का पावर 1/4 इंटू 9 का पावर 3/2 इंटू में 27 का पावर -4/3। ये किसके इक्वल होगा, तो देखिए इसे 3 का पावर 4 कर दिए, पावर में 1/4 है, इंटू 3 का स्क्वायर कर दिए, पावर में 3/2 है, 3 का क्यूब कर देते हैं, पावर में -4/3 है। यहाँ 3 से 3 क्या है, यहाँ 2 से 2, यहाँ 4 से 4। यहाँ 3 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 3 इंटू में 3 का पावर -4, पावर ऐड कर देंगे सबका, 3 का पावर 0 यानी कि 1 हो गया, यानी यहाँ 1 भरेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में देखिए दिया है 169 टू द पावर -3 बाई में 196 टू द पावर -8 द होल पावर 1/48। ये किसके इक्वल होगा, देखिए इसको देखते हैं। एक काम करते हैं, इसको पलट देंगे पॉजिटिव करने के लिए, 196 का पावर 8 कर देते हैं और इधर 169 का पावर 3 कर देते हैं और होल पावर 1/48। पावर पावर यहाँ पे देखिए, अब इसको देखें तो यहाँ जो आप देख रहे हैं अंदर, इसको आप एक काम कर सकते हैं, इसको यहाँ पर 14 का स्क्वायर है ना और पावर में 8 है ऐसे ही, और नीचे आप इसे 13 का स्क्वायर कर सकते हैं और पावर में 3 है और 1/48 पावर में। चलिए अब इस देखिए, अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ 14 टू द पावर क्या हो जाएगा, तो ये देखो 16 और 16 में 1/48 से मल्टीप्लाई होगा 1/3 और नीचे 13 टू द पावर 6 है और 6 में 1/48 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/8। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी आप यहाँ भर देंगे 14 टू द पावर 1/3 और बाई में यहाँ पर 13 टू द पावर 1/8। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है, x इक्वल टू में दिया है 8 का पावर 2/3 और इंटू 32 का पावर -2/5। तो x इक्वल टू में आप इसे 2 का क्यूब कर सकते हैं, पावर में 2/3 है, और इसे 5 का पावर 5 कर सकते हैं, पावर में -2 का पावर 5 कर सकते हैं, 32 है ना जी, 2 का पावर 5 कर सकते हैं, -2/5 पावर में है। ये 3 से 3, यहाँ 5 से 5, तो यहाँ x का पावर आ जाएगा 2 का पावर, x इक्वल टू में आ जाएगा 2 का पावर 2 इंटू में 2 का पावर -2, यानी x इक्वल टू में 2 का पावर 0 यानी x इक्वल टू में 1 हो गया। x का 1 आया तो x का पावर -5 करेंगे तो यहाँ 1 का पावर -5 यानी कि 1 ही होगा, समझ गए, यानी 1 भर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या रहा है, इफ 6 का पावर n इक्वल टू 1296। तो आप देखो ना, 6 का पावर n जो होगा ये 6 यहाँ इक्वल टू में 6 का पावर 4 1296 का पावर 4 कर सकते हैं, यानी n का वैल्यू 4 आ गया, हमें निकालना है 6 का पावर n माइनस 3 का वैल्यू, तो यानी 6 का पावर 4 माइनस 3 यानी 6 का पावर 1 यानी 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे, ये 5 नंबर था। द वैल्यू ऑफ दिस क्या दिया है, 4 इंटू 256 का पावर -1/4 डिवाइड 243 का पावर 1/5। एक काम करते हैं, इसे 4 इंटू में इसे 4 का पावर 4 कर देते हैं और -1/4 यहाँ पे है और फिर डिवाइड यहाँ पर इसे 3 का पावर 5 और इंटू में 1/5, ये 5 से 5 कटा 4 से 4 कटा 4 इंटू ये 1/4 हो जाएगा, पावर में -1 है और यहाँ डिवाइड है आपका कितना 3, ये यहाँ से कट जाएगा 1/3 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है 1/3 आ जाएगा, समझे ना। एक्चुअल में पहले तो हमें यहाँ डिवाइड में लेना चाहिए था, ऐसे हमें इसे ऐसे लिखना चाहिए था 4 इंटू 1/4 और यहाँ पर इंटू में 1/3 कर लेना चाहिए था, ठीक है, तो एक ही बात होता 1/3 ही आएगा, समझे ना, यहाँ 1/3 आप भर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कर रहा है,
सिक्स एक्स का पावर सिक्स इक्वल टू में सिक्स का पावर टू टू द पावर थ्री, देन एक्स का वैल्यू क्या है? तो देखो ना, यहाँ सिक्स का पावर सिक्स और यहाँ एक्स का पावर सिक्स इक्वल टू में यहाँ सिक्स का पावर सिक्स हो जाएगा, ठीक है, सॉरी सिक्स का पावर एट ना हो जाएगा, टू का क्यूब है। चलिए तो ये जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, सिक्स का पावर टू, सिक्स का पावर टू, देन यहाँ पे आप एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं सिक्स का पावर टू इंटू वन बाई सिक्स, यहाँ से ये कट जाएगा, एक्स इक्वल टू में जाएगा सिक्स का पावर वन बाई थ्री, यहाँ भर देंगे सिक्स का पावर वन बाई थ्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर एट देखिए, मैं इसका वैल्यू बताने दिया है ब्रैकेट के अंदर, ए बाई बी रूट अंडर 99 माइनस रूट अंडर 97, रूट अंडर 99 प्लस का रूट अंडर 97। चलिए अब इसके बाद देखिए, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, तो ए बाई बी द पावर क्या हो जाएगा, एक बार माइनस प्लस में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 99 का स्क्वायर और माइनस रूट अंडर 97 का स्क्वायर, तो यानी आ जाएगा ए बाई बी इक्वल टू में यहाँ 99 और माइनस का 97, यानी ए बाई बी टू द पावर होल टू, यानी ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इसका आंसर हो गया, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिया हुआ है कि इफ पी प्लस वन बाई क्यू का पावर पी माइनस क्यू, पी माइनस वन बाई क्यू का पावर पी प्लस क्यू, बाई में क्यू प्लस वन बाई पी का पावर पी माइनस क्यू, बाई में इंटू में क्यू माइनस वन बाई पी का पावर पी प्लस क्यू इक्वल टू में यहाँ पर क्या है आपका p बाई क्यू टू द पावर x, देन x का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर यहाँ से 1 बाई क्यू कॉमन करते हैं, पावर में p माइनस क्यू रहेगा, यहाँ आ जाएगा पी क्यू प्लस का 1 और पावर में p माइनस क्यू, यहाँ पे 1 बाई क्यू कॉमन करते हैं, पावर में यहाँ p प्लस क्यू रहेगा, क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस 1 टू द पावर p प्लस क्यू, फिर नीचे भी उसी तरह से 1 बाई p कॉमन करते हैं तो यहाँ p माइनस क्यू, यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू प्लस 1 टू द पावर p माइनस क्यू, यहाँ पे 1 बाई पी कॉमन करते हैं, पावर में रहेगा p प्लस क्यू और फिर यहाँ पर आ जाएगा पी क्यू माइनस 1 टू द पावर p प्लस क्यू इक्वल टू p बाई क्यू का पावर x, ठीक है, इससे ये वाला टर्म इससे ये वाला टर्म कट गया। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1 बाई क्यू, देखिए ये देखिए बेस इक्वल है, पावर पावर को ऐड कर देंगे तो p माइनस क्यू प्लस पी प्लस क्यू, नीचे भी देखिए बेस इक्वल है, पावर को ऐड कर देंगे तो 1 बाई पी टू द पावर हो जाएगा p माइनस क्यू प्लस पी प्लस क्यू और इधर हो जाएगा p बाई में q का पावर x। आगे इसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ आप q से q काट दोगे, यहाँ भी q से q काट दोगे, ये पलट, यहाँ देखो पलट जाएगा, p बाई क्यू लिख देते हैं और होल पावर आपका 2p हो जाएगा, यानी यहाँ पे इक्वल टू में है पी बाई क्यू का पावर एक्स, तो यहाँ से 2p हो जाएगा x का वैल्यू, x का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा 2p के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया है, इफ यहाँ पर ये दिया हुआ है कि 5 का पावर n प्लस 2 इक्वल टू 625, देन दिस का वैल्यू क्या होगा, पहले n का वैल्यू निकालते हैं, 5 का पावर n प्लस 2 इक्वल टू 5 का पावर 4, तो n प्लस 2 इक्वल टू में 4, यानी n का वैल्यू 2 आ गया। अब हमें इसका वैल्यू निकालना है किसका, 12n प्लस 3 का पावर 1 बाई 3 का, तो 12 इंटू में 2 प्लस 3 का पावर 1 बाई 3, यानी आ जाएगा 24 और 3 27 हो जाएगा, 27 का पावर 1 बाई 3, यानी हो जाएगा 3 का पावर 1 बाई 3 इंटू 3 या 3 इंटू 1 बाई 3, एक ही बात है, आ जाएगा यहाँ पर 3, 3 का पावर 1 यानी कि 3 आ गया, यानी कि इसमें 3 भर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हमें दिया हुआ है इफ ए टू द पावर, यहाँ पर देखिए 3 माइनस 7 ए इंटू ए टू द पावर 6 माइनस 2 ए बाई में ए टू द पावर 2 ए इंटू ए टू द पावर 9 माइनस का 2 ए द पावर होल पावर 1 बाई एन 1 बाई 9। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पावर को सब्ट्रैक्ट कर लें या फिर पहले ऊपर ऊपर कर लेते हैं, ए टू द पावर 3 माइनस 7 ए ऐड कर लेंगे 6 माइनस 2 ए और बाई में यहाँ पर ए टू द पावर 2a प्लस का 9 माइनस का 2a और पावर में है 1 बाई 9, तो ऊपर आ जाएगा देखो a टू द पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 माइनस का 9a और बाई में नीचे हो जाएगा a टू द पावर 9 और होल पावर 1 बाई 9। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या हो जाता है, तो आ जाएगा ऊपर a टू द पावर
ए टू द पावर 1 माइनस ए और नीचे ए टू द पावर 1 डिवाइड में है, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ए टू द पावर 1 माइनस ए माइनस 1 यहाँ से ये कट जाएगा, यानी आ जाएगा यहाँ पर क्या चीज, यहाँ पर ए टू द पावर माइनस ए, यानी इसे लिख सकते हैं 1 बाई ए टू द पावर ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही भर देंगे 1 बाई में ए टू द पावर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हमें यहाँ 5x प्लस 6y निकाला जबकि यहाँ एक रिलेशन दिया है 1 बाई 243 का पावर x इक्वल टू में 729 का पावर y इक्वल टू में 3 का पावर 3, तो 5x प्लस 6y क्या वैल्यू, चलिए इसे आप कर सकते हैं 1 बाई 3 का पावर 5x हो जाएगा, और यहाँ पे ये 729 है ना जी, तो कितना बार में ले जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा आपका 3 का पावर 6 हो जाएगा ना जी, 6 हो जाएगा y इक्वल टू में 3 का क्यूब, यहाँ 3 का पावर -5x लिख सकते हैं, यहाँ 3 का पावर 6y इक्वल टू में 3 का पावर 3, यहाँ पे अलग अलग इक्वेट कर देते हैं 3 का पावर -5x, या फिर सबको ऐसे ही लिखो ना -5x इक्वल टू में 6y इक्वल टू में 3, अलग तो बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगा, तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -3/5 और y का वैल्यू 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा, तो हमें 5x प्लस 6y निकालना है, 5x प्लस 6y, ये ना था जी 5x प्लस 6y, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू में आपका x का वैल्यू है -3/5 और प्लस 6 इंटू में y का वैल्यू है 1/2, ये इसे कट जाएगा 3 टाइम्स में 5 से 5, -3 + 3 ये आपका 0 हो गया, समझ गए, तो इसका हम लोग वैल्यू यहाँ पे 0 भर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या दिया है, 6 का पावर x - y इक्वल टू में 36 एंड 3 का पावर x + y इक्वल टू में 729, तो आप इसे लिख सकते हैं 6 का पावर x - y इक्वल टू में 6 का स्क्वायर एंड 3 का पावर x + y इक्वल टू में 3 का पावर 6, तो यहाँ से x - y इक्वल टू 2 बेस बेस इक्वल पावर इक्वल 3x + y इक्वल टू 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि हमें x² - y² का वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा यहाँ पे 12, यानी यही ना हो जाएगा x² - y² इक्वल टू 12 इसका वैल्यू आ गया, समझे ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 नंबर में देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दिया है 4√2 यहाँ 2 to the power क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × 1/3 × 1/4, इसे हम लोग काट सकते हैं टूटल, यानी हो जाएगा 2 का पावर 1/6, यही ना हो जाएगा यहाँ पे ही भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, प्रोडक्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू, अच्छा इनके सबका प्रोडक्ट देखिए, √2 और 4√2 एंड 12√32, आप एक काम करिए यहाँ पे लिखिए √2 × आपका 4√2 इंटू 12√2 to the power 5 कर लेते हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं आप इसे कि 2 to the power 1/3, 2 to the power 1/4 और 2 to the power 5/12, बेस बेस इक्वल पावर को ऐड कर लेते हैं, यानी हो जाएगा यहाँ पर पावर ऐड करने पे 1/3 + 1/4 + 5/12, इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 to the power एलसीएम होगा 3, 4, 3, 5, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 to the power 12/12 कट जाएगा यहाँ से, 2 to the power 1 यानी कि 2 आ गया इसका आंसर, यानी 2 भर देंगे यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया है, 4√81 to the power -2 इज इक्वल टू दिस व्हाट, तो आप एक काम करिए 4√ यहाँ पे इसे आप लिख सकते हो 3 का पावर 4 और पावर में यहाँ -2 है, यानी हो जाएगा आप इसे 3 to the power -8 इंटू में 1/4, तो यहाँ 1/3 to the power 2 यानी 1/9 यहाँ लिख सकते हैं, यानी 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दिया है 256 का पावर 0.16 एंड 256 का पावर 0.09, तो बेस बेस इक्वल है पावर को ऐड कर लेंगे, तो 256 का पावर कितना हो जाएगा 0.25, यानी आप लिख सकते हैं इसे 256 को आप लिख सकते हैं 4 का पावर 4 और इंटू में 0.25, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना आपका 4 to the power 1 यानी कि 4 हो जाएगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपका 4 आ जाएगा इसका आंसर। तो यही क्वेश्चन थे, मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए, इस वीडियो को यही पेंट कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा आपके पास भारती भवन रवि का आंसर,
भारती भवन, रवि कांत सर, और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन, आर डी शर्मा सॉल्यूशन, तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, रविकांतसर.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।